मान सम्मान इज्जत के लिए मेधावी समाज के लोग धन बनाने की बजाय नौकरी में गए, सर्विस सेक्टर में गए। समय परिवर्तन हो रहा है। देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले की दीवार से कहा, मैं देश की वेल्थ क्रिएटर को नतमस्त होकर सम्मान करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, विकसित भारत आज हमारी इकोनॉमी की साइज 3 ट्रिलियन डॉलर है, 4 हो जाएंगे थोड़े दिनों में। हमारी पोजीशन 5 है। हम आने वाले 2 साल के अंदर हम 3 नंबर में पहुंच जाएंगे। हमारी इकोनॉमी साइज 3 साढ़े 3 से बढ़कर 8 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा और 2047 तक हमारी इकोनॉमी साइज 30 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा, 3 से 30 होगा। अब कल्पना करिए, तब संबलपुर कहां होगा, उत्कल युवा मारवाड़ी मंच कहां होगा। आप कभी ये पराग, मैंने कहा कि मैं आपको जानता हूं, आपकी विश्वसनीयता पे मेरा भरोसा है, ये सेवा काम आप करते रहो, उसको छोड़ना नहीं। निर्बल का, दुर्बल का, गरीबों की उसमें कल्याण होती है। लेकिन इतने में मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं आपकी साथ असहमत हूं। हमें मिलकर योजना बनानी है, 30 ट्रिलियन डॉलर की जब इकोनॉमी हो जाएगी उसमें हमारे हिस्सा क्या रहेगा, मेरे उड़ीसा का हिस्सा क्या रहेगा, मेरे संबलपुर का हिस्सा क्या रहेगा, मेरे कटक का हिस्सा क्या रहेगा, मेरे बारीपटा का हिस्सा क्या रहेगा, मेरे ढेंकनाल का हिस्सा क्या रहेगा, मेरे बलांगा का हिस्सा क्या रहेगा। ये मेरा बहुत, ये मेरे सुंदर आए हैं बहुत से, मेरे को तो कभी सपना है बहुत को हम सियाटल भी बना सकते हैं, इतना संभावना की बहुत है। महानदी के किनारे वो जाता है। आज इंटरनेट के जमाने में और मोदी की राज में कुछ भी असंभव नहीं है। अब यकीन मानिए, आप भरोसा रखिए, जो नई पीढ़ी आ रहा है आपके घरों में आप देख रहे होंगे, और मैं तो एक दिशा में आपके सामने विशेष करके मातृशक्ति के पास प्रणाम करता हूं, मातृशक्ति को। आपके घरों में से महिला सशक्तिकरण की आवाज उठी है, बच्चियां पढ़ रहे हैं, बच्चियां अपना जिंदगी खुद निर्णय कर रहे हैं, ये एक समाज की अच्छी लक्षण है। आप लोग डांटना नहीं, उनको करने देना चाहिए, उनको और मदद करिए, उनको और स्वतंत्रता दीजिए। मैं अपेक्षा रखूंगा मारवाड़ी युवा मंच संबलपुर सहित उड़ीसा के सारे शहरों में वेल्थ क्रिएशन की विशेष मुहिम चलाए। दुनिया बदल रही है, दुनिया के व्यवसाय को यही लाने के लिए दुनिया के पास जाना नहीं पड़ेगा, हमारे पास भी दुनिया आ सकती है। यह आज टेक्नोलॉजी ने संभव करके दिखाया है। युवा मंच उस विषय पे, अभी तो चुनाव वगैरह की माहौल है, इस समय में ज्यादा कहना उचित भी नहीं है, लेकिन अगले बार युवा मंच संबलपुर में छोटे शहरों में नई उद्यमिता कैसे होगी, जिसमें महिलाओं के घर में रहकर भूमिका ज्यादा होगी, ऐसे एक राष्ट्रीय सम्मेलन इसी हॉल में आयोजन हम करें। तभी सुरेश दा को बुलाना, सुरेश दा तब तक ये एसी और माइक ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत करो, ए पुरोहित, ये माइक और एसी ठीक नहीं चल पा रहो, ए सुशांत दा, ए तमकू में कहू जी, मेरा बहुत बढ़िया हॉल है, ये भी एक वेल्थ क्रिएशन है। उड़ीसा में, पश्चिम उड़ीसा में इतना बड़ा हॉल कहीं नहीं है, इस हॉल का फायदा हमें लेना पड़ेगा। और अगले बार हम जब मारवाड़ युवा मंच बैठेंगे, मैं आऊंगा प्रतिनिधि बन के आपके साथ, मैं नीचे बैठूंगा और सुनूंगा वेल्थ क्रिएशन कैसे करेंगे, संचालन कैसे करेंगे। ये कहावत था आप लोगों के नाम पे, जहां नाम पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। ये सदियों पहले की, आज टेक्नोलॉजी को कर लो दुनिया मुट्ठी में भी, ताकत अपने बच्चों में है। हम आइए उड़ीसा की भाग्य को बदलने के लिए, भारत की भाग्य को बदलने के लिए। दुनिया ने
अपनी ताकत की डंका बजाने के लिए हम इस माँ समलेश्वरी की धरती से उसका मुहिम शुरू करें। ये उद्यम, ये साल भर की योजना बहुत ही प्रशंसनीय है। आपने मेरे को यहाँ बुलाया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय माँ समलेश्वरी। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।